लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे ये क्या बिट्टू, 3 × 3 कितने होते हैं? मास्टर जी, ये मुझे मारता है। अरे रामू, शरारत मत करना है। नहीं बेटे, 3 × 3 होते हैं 6, 3 × 3 होते हैं 9। अच्छा आप बताओ, 3 × 4 कितने होते हैं? देखो बेटू, तुम बराबर याद नहीं करोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, समझे? अच्छा जाओ, घर जाओ, जाओ, हाँ? जाओ। अच्छा बच्चे लोग, आज छुट्टी, घर जाओ। हाँ प्रणाम मास्टर जी। वो राम जी की रथ यात्रा थी ना, बहुत मजा आया मास्टर जी। साधो के सीधा उसी का प्रसाद लाया हूं आपके लिए, ये लीजिए मास्टर जी। तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेता हूँ राजू, लेकिन मेरा तो हर भक्ति पर से विश्वास उठ गया है। याद नहीं पड़ता किसी का कुछ बुरा चाहा हो। मैं तो ठीक, बेचारी हेमा ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो आवाज छीन ली भगवान ने उसकी। आप यूं क्यों नहीं सोचते मास्टर जी कि छोटी मास्टरनी सुनती कितना तेज है? आपसे और हमसे ज्यादा तेज सुन लेती है वो। दूर कहीं कोयल कूके ना, वो सुन लेती है। फूल पत्तों से कुछ कहे, वो भी सुन लेती है। मुझे तो विश्वास है मास्टर जी कि फूलों और चिड़ियों की जुबान भी समझ लेती है छोटी मास्टरनी। हाँ यही तो दुख है बेटे, काश उस बीमारी में वो गोंगी के साथ बहरी भी हो जाती तो दिन रात अपनी सौतेली माँ की नस्तर होकर चुभने वाली बातों से तो बच जाती। सोचा था बेजुबान को फिर से मांग लेंगे, काश मैंने दूसरी शादी ना की होती। अच्छा याद आए, मैं राजगांव में था ना मास्टर जी, वहां एक महात्मा जी मिले थे, बहुत पहुंचे वे। थोड़ी सी मिट्टी रोगी पे लगाते थे, बस देखते देखते रोग दूर। पिछली गर्मियों में तो गया था वहां, नहीं गर्मियों में तो मैं शिवापुर गया था, नहीं अगस्त के महीने तो राजगांव गया था मास्टर जी। हाँ ठीक है, तो मैंने पहले वहां था फिर मैं यहाँ आ गया। एक और चक्कर लगा लेंगे मास्टर जी, मास्टर जी से कह देंगे कि थोड़ी सी मिट्टी छूकर हमें दे दीजिए, अपन यहाँ लगा लेंगे। फिर देखना मास्टर जी, छोटी मास्टरनी बोलने लगेंगी और आप पहले की तरह नाचने भी लगेंगे। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, एक नया ढेर लग जाएगा इनामों और तस्वीरों का। इतना ख्याल मत किया कर मेरा राजू, घर पर अपनों से जो जिल्लत मिलती है ना, उसके बाद तुम्हारा प्यार सहा नहीं जाता। ऐसा मत कहिए मास्टर जी, आपसे मिलने के बाद ही तो मैंने जाना है कि पिता का प्यार क्या होता है। सच तो यह कि मैं सिर्फ बातें ही करता रहता हूं, चाहता तो बहुत हूं लेकिन आपके कुछ कर नहीं पाता मास्टर जी। सावित्री, राजू आया है। बताने की जरूरत नहीं, देख रही हूँ खंभे की तरह खड़ा है, शनिवार का सुबह निकलना भूल सकता है लेकिन ये शनिचर यहाँ आना नहीं भूलता। दो बखत की रोटी एक ही बखत जो खा जाता है। ची, 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 ची। गलत बात की मास्टरनी जी ने, बिल्कुल गलत। दो वक्त का खाना कहाँ मैं खाता हूँ एक वक्त में? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में छोटी मास्टरनी, मैं तो 2 दिन का खाना एक वक्त में खाता हूँ। क्यों खाना? अरे वाह, जय भोजन देवता। मास्टरनी जी को मास्टरनी कहो तो उनको बुरा लगता है, तुमको मैं छोटी मास्टरनी कहता हूँ बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं नहीं, वो क्या कि एक साथ जल्दी खा गया ना इसलिए वो। धीरे खाऊं? धीरे कैसे खाऊं, खाने में इतना स्वाद है रुका ही नहीं जाता। वैसे राजू है बड़ा बेशर्म, मास्टरनी जी की इतनी गालियां खाकर पेट नहीं भरता, ऊपर से खाना भी नहीं खाता, पर क्या करूं, मजबूरी है छोटी मास्टरनी। हफ्ते में 6 दिन 6 घरों में खाना खाता हूं लेकिन इंतजार इसी 7 दिन का होता है। अब देखो ना, मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, चाहते हैं ना, लेकिन इधर खुद ही देवी के हाथों से प्रसाद मिलता है, इस भाग्यवान भक्त को भला कैसे रुक जाए।
और फिर जो मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है राजू कि तुम बोलते बहुत हो भाई। अच्छा हाँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है बाबा जी, बहुत सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है, आखिर एक नतीजे पहुंचा कि हो ना हो मेरी माँ जरूर किसी स्कूल में पढ़ाती होगी। एक तो औरत जात तो वैसे ज्यादा बोलती है और उसके ऊपर स्कूल की टीचर हो गई छुट्टी। और जो मेरे पिताजी थे ना, मुझे यकीन है बाबा जी कि वो जरूर कोई महान संगीतकार होंगे, ढोलक बजाते होंगे, बगावज बजाते होंगे, मृदंग बजाते होंगे। तत्स्वरूप कि जब मैं पैदा हुआ तो बजाय रोने के मैं सारे गामा पादानी सा हाथ तेरे से मारा था, जैसे कि मैं डफली बजा रहा हूं डफली। हां जितना मना करता हूं उतनी ज्यादा बकवास करती हूं। अब अगर लग भी बोला ना तो मंदिर से निकाल के बाहर कर दूंगा बाहर, समझे? अरे अरे कहां जा रहे हो आप? मंदिर की बात करते हैं ना, मैं तो गांव ही छोड़ देता हूं, मुझ जैसे अनाथ का क्या है? 10 दिन इस गांव में, 10 दिन उस गांव में, एक महीने से ज्यादा एक जगह में कभी ठहरता नहीं था, और आपको भी मालूम ही है। लेकिन मुझे यह थोड़ी मालूम था कि आपका प्यार मुझ पर ऐसा जादू कर देगा कि मुझे आपके रूप में माँ बाप भगवान सभी मिलेंगे। लेकिन अब राम 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 राम। राजू जरा जरा बैठ जा, मैंने कहा बैठ जा। देख आइंदे कभी ऐसी उल्टी सीधी बात की ना तो मैंने जो दवा दी थी वो खाई थी? खाना खाया था? कहाँ? मास्टर जी के यहाँ। तब तो खूब छक्के खाया होगा। खाना खाना याद रहता है, दवा खानी याद ही रहती, कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। बाबा क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? सोने सोने मेरी एक दो गतें सुने बगैर भला आपको नींद आ सकती है? क्या बात है बेटी, नींद नहीं आ रही? कोई बुरा सपना देखा है क्या? हुँ?
अरे ये क्या हुआ? कैसी सोने की गुड़िया जैसी बच्ची है, जाने किन पापों का फल मिल रहा है उसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ पुजारी जी, लड़का गरीब हो घर मामूली हो सब चलेगा, इस नरक से तो मुक्ति पाएगी बेचारी, यहाँ भी जाएगी यहाँ से तो अच्छी रहेगी। जी छोटा मत करो चिंतामणि, अरे वो बैठा है ना सबकी खबर रखने वाला, अपनी हेमा के लिए भी जरूर कोई ना कोई संजोग तय किया होगा उसने। देखना एक दिन राजकुमार जैसा कोई लड़का आएगा अपनी हेमा को बहने। हाँ, सबर से काम, सबर की भी कोई हद होती है, अब नहीं सहा जाता, उसका दुख और नहीं देखा जाता मुझसे। अरे मामी जल्दी से मुंह मीठा कराओ फटाफट। अरे क्या हुआ सुरेश, बंबई से कोई चिट्ठी आई है क्या? आप भी जब हीरोइन बनेगी? अरे बन गई समझो, ये पढ़ो अंग्रेज में ना पढ़ता हूँ। लिखा है चंपा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, यानी कि चंपा का भविष्य उज्जवल है। और लिखा है जल्द से जल्द 10,000 रुपए लेकर पहुंच जाओ। 10,000? वो कहां है कि नहीं? तैयारी वैयारी में खर्चा लगता ही है मामी, और फिर क्या हीरोइन यूं ही बन जाएगी, कल को लाखों कमाएगी भी तो। वो तो ठीक है, मगर इतना सारा रुपया आएगा कहां से? आ जाएगा मामी आ जाएगा, वो है ना अपने घर में हेमा। ओहो, ऐसे शुभ काम में उस गुंगी का नाम क्यों लिया? दैट इज द पॉइंट मामी, नुक्ता यही है कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। ये देखो समाज सुधारक मंडल की तरह से विज्ञापन है, वो गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी लायक लड़कों से करवाते हैं और जो भी खर्चा हो वही देते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, हेमा का हाथ किसी के हाथ में दिया और 10,000 लिया, 10,000 दिया कि चंपा हीरोइन बनी, सिंपल। अजी लड़की तो गुणों का भंडार है, बस यूं समझिए कि दिन रात अपने पति की और आपकी सेवा करती रहेगी। जी नहीं, वो बेचारी क्या बोलेगी, वो तो गाय है। आइए आइए मामी, मेहमान आ गए। सुरेश बुड्ढे ने टोपी दिया, आइए आइए, ये सामने हमारा घर है, आ चलिए। कौन आया है घर में? आखिर आपने टोक ही दिया ना मामा जी, मैं तो सोच रहा था शगुन टीका होने के बाद बताता। शगुन टीका? किसी का रिश्ता हो रहा है क्या? कमाल की बात करते हैं आप, बाय गॉड घर में दो ही तो मर्द हैं, एक मैं और एक आप, अगर मैं भी आज की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं तो हो चुका। हेमा के लिए एक लड़का देखा है मैंने, और अब लड़के की माँ हेमा को देखने आई है। लड़की पसंद है मुझे, लड़का खुश हो जाएगा कि माँ सचमुच की लक्ष्मी लाई है। ये लीजिए 10,000 रुपए, अगर शादी के वक्त और जरूरत पड़े तो। अरे अच्छे वक्त पर तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बहन ये मेरी प्यारी बेटी के पिताजी हैं। नमस्ते। क्या बताऊं बहन, जब से इनके हाथ पांव बेकार हो गए, दुनियादारी मुझे ही निभानी पड़ती है। इतना गया गुजरा फिर भी नहीं हूँ सावित्री कि मेरी बेटी की शादी के लिए भी मुझसे राय न ली जाए। अरे बड़ा अच्छा लड़का है चिंतामणि, बड़े दफ्तर में काम करता है। आप बहन जी कितनी तनख्वाह बताई? 1,000। अरे 1,400 रुपया महीना, समझ गए? शादी तनख्वाह से नहीं लड़के से की जाएगी। लो अरे लड़कों की भी शक्ल सूरत देखी जाती है, तुम जिन जी को देख लो ऐसे ही होगा। हाँ हमने सोच समझ के ही फैसला किया है। फैसला तुम्हें नहीं करना है समझी, फैसला उसे करना है जिसकी सारी जिंदगी का सवाल है, वो देखेगी लड़का कैसा है, वो पसंद करेगी। देखिए आप अब बुरा न मानिए, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेजुबान बेटी ये सोचे कि उसके माँ बाप ने बोझ समझकर उससे हाथ धो लिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मेरी भी जवान बेटियां हैं, उनका रिश्ता करूंगी तो मैं भी यही सोचूंगी। क्या करूं, प्रकाश की तरक्की का वक्त था इसलिए नहीं आ सका, अब आ जाएगा। ये रुपए रख लीजिए बहन जी। रुपए क्यों दे रही हैं? शगन के रुपए हैं, लौटाएंगे तो पाप लगेगा। सावित्री मामी ठीक कह रहे हैं मामा जी, तुम चुप रहो। गुस्सा ठीक दीजिए भाई साहब, मैं जाते ही प्रकाश को भेज दूंगी, आपको लड़का ना पसंद आए तो पैसे वापस कर दीजिएगा। चलती हूँ बहन जी। सुनिए
आप तो घर की बड़ी हैं। हाँ, हाँ। आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे जाने के बाद बहू की नजर जरूर उतार लीजिएगा। मेरी ही नजर लगी होगी। ये आपकी थैली। धन्यवाद भाई साहब, दिन में कुछ मत रखिएगा। सुरेश बाबू, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगे? हाँ क्यों नहीं। तुम काजल का टीका लगाई लो छोटी मास्टर जी, वरना आज मेरी ही नजर लगेगी तुम्हें। अच्छा वैसे लड़का कैसा है? पढ़ा लिखा तो होगा ही, वो जमीन जायदाद भी है कुछ के नहीं? ये सब तो मास्टर जी ने पूछ लिया होगा, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ? असल में छोटी मास्टर जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी करता कि मैं आज टप उठाकर अभी गाना शुरू कर दूँ। अभी नहीं गाऊंगा छोटी मास्टर जी, उस दिन गाऊंगा जब तुम शर्म से छुई मुई बनी बैठी होगी और तुम्हारा दूल्हा सबकी नजरें बचाकर तुम्हें देख रहा होगा। डोली के साथ गांव की सरहद तक नाश्ता गाता जाऊंगा छोटी मास्टरनी, जैसे कि रामजी की रथ यात्रा के साथ जाता हूं ना वैसे ही। हाँ छोटी मास्टरनी, तुम्हारी शादी मेरे लिए रथ यात्रा से कम थोड़ी है। अब जाने कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब हो, सो से साथ ले जाता हूँ। जब कभी कुछ अच्छा खाने की तबीयत होगी, एक आध टुकड़ा मुंह में रख लिया करूंगा और क्या। लो, मैंने तो बताया नहीं कि मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे गांव छोड़ के नहीं, वो क्या है कि हमारी छोटी मास्टरनी की शादी है ना, तो उनके लिए तोहफा बनाना होगा, इसलिए शहर जा रहा हूँ। अरे तुम सोच रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? अरे मेरे पास बहुत पैसे जमा है। वो क्या कि रोज इधर उधर खाना खाता रहता हूँ ना, तो मेरा खर्चा होता ही नहीं, तो मेरे पास बहुत पैसे जमा है। छोटी मासनी, एक बात और, जब तक मैं तुम्हारा तोहफा ना लाऊं, तुम शादी की तारीख पक्की मत करना। हाँ मैं चलता हूँ।